उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में 9 दिन के बच्चे की मौत हो गई। परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के रामपुर दोराहा का यह मामला है। बच्चे के परिजनों का आरोप है कि स्वस्थ बच्चे को कमिश्नर के चक्कर में अधिक दिन तक अस्पताल में रखा गया, जिससे बच्चे की मौत हुई है। बता दें कि मोहम्मद आदिब ने अपनी पत्नी सबाना को डिलीवरी के लिए मुरादाबाद के सनराइजर हॉस्पिटल में भर्ती करवाया था। सबाना ने नॉर्मल डिलीवरी द्वारा बेटे को जन्म दिया था। आरोप है कि सनराइजर हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने स्वस्थ नवजात शिशु की तबीयत खराब बताकर मशीनों में उसे रखवा दिया। डॉक्टरों ने 2 दिन पहले नवजात शिशु को स्वस्थ बताते हुए कहा था कि आपका बच्चा अब ठीक है, आप ले जा सकते हैं और आप जो बिल अस्पताल का रह गया है वह जमा करा दीजिए। जब पीड़ित पैसे लेकर घर से वापस अस्पताल पहुंचा तो डॉक्टरों ने कहा कि आपके बच्चे की हालत अभी ठीक नहीं है। पीड़ित के मुताबिक लाख मन्नतों के बाद भी डॉक्टरों ने नवजात शिशु को अस्पताल से छुट्टी नहीं दी। आज नवजात शिशु ने अस्पताल में ही दम तोड़ दिया। बताते चले कि पीड़ित आदिब ने अपनी सास रेशमा, जो कि आशा है, और डॉक्टर गुलजार ग्राम भैसिया पर कमीशन के चक्कर में डॉक्टर शकील से मिलकर उनके 9 दिन के ठीक ठाक बेटे की छुट्टी नहीं होने के आरोप लगाए हैं, जिसकी वजह से उनके बेटे की मौत हो गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस कटघर पीड़ित की शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज करने की बात कह रही है। वहीं दूसरी ओर नवजात शिशु की मौत के बाद अस्पताल का स्टाफ अस्पताल छोड़कर मौके से फरार हो गया। पीड़ित का साफ तौर पर कहना है कि ऐसे डॉक्टर के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाए, ताकि फिर से किसी नवजात बच्चे की जान चंद पैसों के लिए यह फर्जी डॉक्टर ना ले। मुरादाबाद से संवाददाता बाजिद अली की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आबिद है। अच्छा, जो आप अस्पताल पे हो, यहाँ पर क्या मामला पूरा बताएं? मेरा बेटा पैदा हुआ था, मेरा बेटा 2 किलो के लपेटे में था, मैं यहाँ पर लेकर आया था घूंगा टोटल पे। इन्होंने हॉस्पिटल में शकील डॉक्टर ने रखा, जो आशा लेकर आई थी, मुझे जो डॉक्टर लेकर आया था उनकी कमीशन बंद हुई थी, मुझे नहीं पता था कि उनकी कमीशन बंद हुई है। उनकी रिकॉर्डिंग है मेरे पास, डॉक्टर शकील की भी रिकॉर्डिंग है, जो इनने कमीशन दी है उन्हें। मेरा बेटा 3 दिन में यहाँ पर सही हो गया, दूध पीने लगा, रोन लगा, हंसन लगा, सब बातें करने लगा। मैं बोला डॉक्टर साहब मन की बच्चा सही है, डॉक्टर साहब बोले मुझसे, बोले बच्चा तुम्हारा 100% सही है, सुबह दे दूंगा मैं तुम्हारा बच्चा। जब सुबह को मैंने उनसे बोला तो मेरी सास सगी और डॉक्टर गुलजार यहाँ का भैंसिया का वो चैम्बर में डॉक्टर शकील से बातें करी उन्होंने। डॉक्टर शकील ने आन के मुझसे ये कहा कि बोले 2 दिन अपने बच्चों को और रख दो, क्योंकि उनकी कमीशन देनी थी उसे, मेरे बच्चों को 2 दिन और रखा। फिर मैंने कहा मन की डॉक्टर साहब भेज दो, मन की बच्चा सही है, दूध भी पी रहा है, रो भी रहा है, तो बोले ठीक है मैं भेज रहा हूँ आज। फिर डॉक्टर शकील से बात हुई तो फिर उन्होंने बोले अच्छा 2 दिन और रख लो, अगर तुम्हारी रुकावट है 2 रोटी खाने की तुम्हारे पेट में 4 रख दूँ मैं तो नुकसान होगा नहीं होगा, अगर रहने वाले एसी में हो मैं गर्मी में रख दूँ तुम्हें तो गर्मी में नुकसान देगी ना देगी, अच्छे खासे दवाई दूंगा मैं तुम्हें तो दवाई नुकसान देगी ना देगी, वो ये बताओ मुझे। ऑपरेशन मेरे बेटे को अच्छा खासा था, ये बच्चे की ऑपरेशन हुआ था या नॉर्मल पैदा हुआ था? नॉर्मल पैदा हुआ था, कोई ऑपरेशन नहीं है, कुछ अच्छा, नहीं। क्या तारीख में आपने यहाँ पे भर्ती करा था? मैंने यहाँ पे आज मेरे बेटे को 6 दिन हो गए थे, फिर 4 दिन जब इन्होंने जब देख लिया कि बच्चे की हालत खराब होने लगी, बोले कमीशन पूरी हो गई, बोले डॉक्टर गुलजार की भी कमीशन हो गई, डॉक्टर आशा की भी कमीशन पूरी हो गई, तो इन्होंने मेरे बेटे का सूजन चढ़ गया दिमाग पे, बेवजह में ट्रीटमेंट करा इन्होंने, फिर बाद में भेजा जब मर गया था मेरा बेटा। अच्छा, तो आपने क्या पुलिस को सूचना दी? मैंने पुलिस को सूचना नहीं दी है, मैं यहाँ को आया हूँ, मैं अब दूंगा पुलिस को सूचना। मैंने तहरीर लिखवाई है कप्तान साहब के लिए, कप्तान साहब के यहाँ सुबह तहरीर देनी। अच्छा, है जो बच्चा था वो कहाँ पर है, कैसा है वो जी? जो बच्चा था वो कैसा है? वो बच्चा मेरा अब तो खत्म हो गया, अब क्या रहा इसमें, अब तो इनने डॉक्टर शकील ने मार दिया, जब नॉर्मल है इनने भेजा ना मेरे बच्चे को, दिया जाएगा मेरे हाथ में। मैंने अपनी बहू की बाली भी दिखाई से मन की, मैंने अपनी बहू की बाली रख के चल सी पैसे ला के दिए डॉक्टर साहब, मन की अब भेज दो, अब क्यों ना रोका हुआ है तो डॉक्टर माना ना। अच्छा, डॉक्टर क्या बोल रहे हैं जो जहाँ पे आपने भर्ती किया था? डॉक्टर की सबकी रिकॉर्डिंग है, आशा की भी रिकॉर्डिंग है, डॉक्टर गुलजार की भी रिकॉर्डिंग है, डॉक्टर साकेत का नंबर क्या? 232। क्या मामला है, कौन सा हॉस्पिटल है? सनराइज हॉस्पिटल है, मेरे पास 100 नंबर अभी 112 पर फोन आया, ऐसे ऐसे विवाद हो रहा है, मैं मौके पर आ रहा हूँ और चौकी इंचार्ज मौजूद हैं और जो कार्रवाई होगी वो जो मोती है वो है नहीं, डॉक्टर यहाँ है नहीं, डॉक्टर चले यहाँ से। विवाद हो रहा है, किस बात को लेकर हो रहा है यहाँ पर? नहीं, इलाज फिलाज कराया इन्होंने, इस बात का विवाद है, बच्चा है, बच्चा ले इलाज इन्होंने कराया था, यहाँ लाए थे फिर दूसरे अस्पताल ले गए और दोबारा आए तो कह रहे हैं डॉक्टर ने, पता नहीं क्या मामला है, कह रहे डॉक्टर के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। जो बच्चा है वो मृत्यु घोषित हो गया है या जीवित है?
तो मृत्यु दिखाई दे रहा है, मृत्यु घोषित है वो तो। अब डॉक्टर बताएगा, डॉक्टर चलेगा, डॉक्टर मृत्यु घोषित कर दिया तो विवाद कर रहा है वो। फरार हो गए नहीं है नहीं वो, जैसा होगा ऐसा कार्रवाई होगी, वो चौकिंग चार्ज आ गए हैं। अच्छा, दो दिन पहले ही डॉक्टरों ने सनराइज अस्पताल के ये बोला था कि हम बच्चा आपका ठीक है, स्वस्थ है, आप यहाँ से जानकारी मुझे देंगे, मुझे इस बारे में फोन आया था। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise.